जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत करते हैं हम अपने इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 का सब्जेक्टिव का आंसर सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, तो देखिए यहाँ करके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 10th का हिंदी। तो अब इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपठित बहुत अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, पैसे दिया हुआ है। ठीक है, यहीं से आपको खोज के आंसर लिखना है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना, जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हुए आत्मनिर्भर होते हैं, वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, नीति तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता के प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का मूल आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों के इष्ट देव हैं, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा तो उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह न कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वो अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही संपूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता और जीवन में हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता है। अब क्वेश्चन इसमें कह रहा है पहला कि आत्मनिर्भर व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर व्यक्ति उसको वैसे कहा उसको कहा जाता है जो अपने ऊपर निर्भर रहता है, जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हुए आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, तो सर लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता क्या अर्थ है। लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट है स्वावलंबन जीवन का क्या है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। चौथा, आत्मनिर्भरता के प्रतीक क्या है। सफलता प्राप्त करना, मतलब आत्मनिर्भरता प्रतीक क्या है, तो सफलता प्राप्त करना। पांचवा, आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। आत्मनिर्भरता इसको हम कहेंगे जो अपने पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, किसी भी कार्य करने के लिए स्वतः करता है, अपने आप करता है, वो आत्मनिर्भर कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। करण, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों को लगभग 60 शब्दों में लिखना है। आपको बेटे के मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, अतः यह आनंद की बात है, इससे दुखी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना विचार घटना और पात्रों की क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। करें, बिना विचार घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है, यह बात तो सत्य है, परंतु उसी कहानी में वह प्रभाव नहीं होगा जो घटनाओं और पात्रों पर आधारित विचारपूर्ण कहानियों में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। क्या, नंबर एक में वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, अपितु मन बल्कि वीरता पूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। पॉइंट नंबर टू, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं। और नंबर थ्री, वीर पुरुष दीनहीन मतलब गरीब लोगों पर, ब्राह्मण और गायों दुर्बलों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, अथवा कभी बादल के अनुसार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गिरने के लिए कहता है क्यों।
अथवा इसमें क्वेश्चन दिया है, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नया विद्रोह का आह्वान किया है, मतलब शुरुआत किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर खिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चों के साथ उसे लगता है कि अब डर भय और किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं रही, यही कारण कि भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर खिसकना भूल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रचना लेखन खेलकूद का महत्व है, विद्यार्थी और अनुशासन मेरे जीवन का लक्ष्य। अब है कि विद्यार्थी और अनुशासन करें, एक सच्चा और सफल विद्यार्थी तब बन सकता है जब अपने आपको क्या अनुशासन में रखता है। अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी सदैव परिश्रमी होते हैं, उनमें टाल मटोल की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, वे आज का कार्य कल पर कभी नहीं छोड़ते हैं। अनुशासन से ही विद्यार्थी के अंदर सारे नैतिक गुण प्रदान होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुशासनहीनता के कारण विद्यार्थी अपने लक्ष्य से भटककर अलग गलत कार्यों की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण उनकी ना तो मानसिक विकास हो पाती है और ना ही सांस्कृतिक। अर्थात अनुशासन के बिना विद्यार्थी का जीवन सफल नहीं हो सकता है। कहा भी गया है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अब नेक्स्ट है कि अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई देना है। तो सबसे पहले आपको जहाँ से है उस जगह के नाम देना है, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, तारीख देना है, ठीक है? 25/27 कल हम इसको लिखे थे। आप कह रहे प्रिय मित्र नमस्कार, या फिर आप डायरेक्ट आप नाम दे सकते हैं, प्रिय संजय, अजय, विजय, करण, कुछ भी, सीता, गीता, ठीक है? नमस्कार, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। पत्र लिखने का खास कारण है कि तुमने जो या फिर आपने जो क्या है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पाए उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तुम ऐसे ही प्रगति के पथ पर चलते रहो, धन्यवाद। और तुम्हारा प्यारा मित्र XYZ, मतलब आप अपना अपना नाम निकलेंगे बच्चे लोग। नेक्स्ट है कि पुस्तक विक्रेता के लिए आकर्षण विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार करें। किसी मतलब क्या किताब दुकान को आपका प्रचार करना है, तो झारखंड पुस्तक भंडार, अमन पुस्तक भंडार, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमारा नाम याद दिया हुआ है कि झारखंड पुस्तक भंडार प्रचार करें। यहाँ सस्ते दामों पर किताब उपलब्ध है। विशेषताएँ इसका क्या है, यहाँ सस्ते दामों पर किताब उपलब्ध है, सस्ता में सबसे विश्वसनीय दुकान, मतलब सबसे विश्वास करने लायक दुकान है, और अगर सभी प्रकार के पुस्तक उपलब्ध। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहेगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।